birthday to you. Happy birthday, dear Aam. Inna saagli kya gudka? Litra gudka. Brandy aani hai bishaki hai. Brandy aani hai ba. Chireli. Udhe ek mothi de. चलो बाय गाइस, सब सुन लो ध्यान से, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जम्मू इन ब्लॉग्स, ठीक है, बाय बाय। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं हम नानी के घर और फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, टाइम पूरे 5 बज गए हैं और आज शाम को अभी थोड़ा सा और लेट जो मेरी दीदी है, मतलब बड़ी दीदी, बड़े मामू की बेटी, उनके बेटे का बर्थडे है तो वहाँ पर जाना पड़ेगा हम लोगों को, तो थोड़ी देर रेस्ट करते 7 बजे जाएंगे आराम से, ठीक है। चलो जी, थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले रेडी तो हो गए, टाइम 6:30 हो गया आई गेस, बस पूछो मत पैरों की हालत, मत पूछो आप, ठीक है, कैसे चल रहे हैं हम, कैसे नहीं, ये मत पूछना आप कभी भी, ठीक है, अभी तो एक दिन तो मत पूछना, जी जो आ गए हम लेने, हम चलते हैं। और गुरु जो हम तीनों गए थे ना, तो बड़ी वाली दीदी तो जा चुकी है ऑलरेडी वहीं पर, तो हम मैं और पूछो जा रहे हैं जीजो के साथ। चलो जी, यहाँ पे आके भी हम लोगों ने डेकोरेशन बहुत सुंदर लगा है। और बर्थडे किसका है, बर्थडे किसका है, मेरा है। मेरा, गाइस मुझे सब हैप्पी बर्थडे बोल देना प्लीज, जल्दी बोलना, बोल बोल बोल, शर्म नहीं करते, बोल जल्दी, हैप्पी बर्थडे। हाँ कैसे बोलना, हैप्पी बर्थडे। हाँ फाइनली डेकोरेशन हो चुकी है हमारी एकदम कम्प्लीट, चलो अब रूम बंद करते हैं और बैठते दीदी के घर कमरे में, मतलब अरे आहू का केक, और आहू हो गया 5 ईयर्स का, हैप्पी बर्थडे, बोलो थैंक यू, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आहू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आ गई आहू की कार की मासी, तुम देखो इसके खींच खींच के गिफ्ट फाड़ रहा है, आराम से भैया, आराम से धीरे से। अरे वाह मैया, अरे मैया कैसे बोलते, कैसे बोलते, उई मैया रे बोलियो, मेरे बच्चे के पास नहीं था, बोलना आओ, बोलना मैया, उई मैया रे, इसका व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, जा आओ दिखा, छोड़ दे अपने आप चलेगा वो, हमारी मोमोज पार्टी मंत्रिप्त हो गए, मंत्रिप्त हो गए ना, कल वैष्णो देवी में ढूंढ रहे थे मोमोज, मिल रहा है दीदी ने पूरा डोंगा भर चटनी खाई है, उसके बाद रोने लग गए आंसू के बाद। मेरा आ चुका है चने की दाल, खट्टा मिक्स वेज, राजमा, पनीर और ये मीठे चावल, गाइस लास्ट में जो मजा आता है बस बहुत है, ये बहुत है, फुल्का तो नहीं, नहीं नहीं ना 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 ठीक है, और ये आ गए हमारे भटूरे, फाइनली बहुत ही खतरनाक नींद आ रही है, अभी हम दीदी के घर में, और इन दोनों भी बहुत तगड़ी नींद आ रही है, एकदम परफेक्ट हंगे लेवल है, बस सो चुके लिटरली, बस अब जाके बस सोएंगे। और गाइस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज सुंदर से कमेंट जरूर करना, बाय बाय, गुड नाइट, हरे कृष्ण। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, फाइनली अब जाके हम उठे 10:30 बजे, टांगों की बजी हुई है बैंड, बट ठीक है, और इन दोनों की भी, दीदियों दीदी की भी और इसकी भी, ये तो फिर भी उठ के नाले में, तो अभी जस्ट उठी हूँ, तो करते हैं अपने दिन की शुरुआत, आज वैसे कुछ करने को तो है नहीं, आज शाम की हमारी टिकट हो चुकी है वापस दिल्ली जाने की, और आई होप गाइज आपको वैष्णो देवी का ब्लॉग पसंद आया होगा, गाइज लिटरली बता रही हूँ जो भी था ना रैंडम था, मतलब प्लान तो मैं बहुत जैन से कर रही थी बट नहीं हो पा रहा था, वही कहते हैं ना जब तक बुलावा ना आए तब तक नहीं जा सकते आप लोग,
कल तो ऐसा हो गया 2:30 बजे बस निकलती है यहाँ से, 1 बजे 1:15 पे प्लान, मैंने कैसे तैसे करके हम लोग एग्री हुए और तैयार होके निकल पड़े। फिर भी बिलीव नहीं हो रहा था, पता नहीं जा रहे नहीं जा रहे, जब दर्शन हुए पूरे हमारे। और हाँ, मैं ये बता रही थी ना कि मैं आपको ये बताऊंगी लास्ट टाइम ब्लॉग में क्या हुआ था, मतलब फिर हमारे साथ क्या हुआ। तो जब हम भवन पहुंच गए, दर्शन करे हमारे, गई पैरों की ना हालत ही अजीब हो गई। मतलब क्या था ना कि एक तो फंक्शन था घर में, तो उसकी भी थकान थी। ये तो था नहीं कि हम सीधे वैष्णो देवी जाने के लिए आए हैं, तो उसकी थकान थी, पैर बस कर गए भवन तक। मन नहीं करा कि ऊपर जाएं कि भैरव घाटी जाएं, तो हमने क्या करा, खाना वाना खाया वहां पे और मत्था टेक दिया वहीं नीचे से ही कि चलो बस अब चल रहे हैं वापिस, कि चलो बस चलते हैं वापिस। गाइज नहीं, फिर मन ही नहीं माना अंदर से, कहते ना जब तक दर्शन नहीं करो ऊपर से तो पूरे संभव नहीं होते। तो दीदी कहती अब ब्रांड मत करो, अब चलो चल रहे हैं। फिर गाइज हम भैरव घाटी तक विदाउट, मतलब हम प्लेन रास्ते में नहीं गए, वो बहुत ही चढ़ाई है, वो 3 किलोमीटर तो है बट वो बहुत टफ लगता है। हमने स्टेयर्स यूज करी लिटरली ऊपर तक पहुंचने के लिए, स्टेयर्स स्टेयर्स स्टेयर्स, पता नहीं चला स्टेयर्स में, बट हाँ अब पता चल रहा है। फिर हम ऊपर पहुंच गए, फिर हमने वहां पे भी दर्शन करे और वहां से हम 3:30 बजे निकल पड़े और पहुंच गए थे हम नीचे 10:30 बजे। फिर वहां पे हमें जो मेरी छोटी वाली बहन है उसके कोई रिलेटिव थे, वहां पे उनके रूम में गए, रेस्ट करा और फिर निकले हम बस में बैठ गए 12 बजे और फिर हम घर पहुंच गए। तो बस अब दिन की शुरुआत करते हैं और फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं और दीदी का भी हाल पूछते हैं। चलो बाकी तो हम शाम को निकल जाएंगे आज दिल्ली के लिए। और गाइस आई होप आप लोगों को ब्लॉग्स भी अच्छा लगा हो। कोई आया हुआ शायद। गाइस हो गई मैं नहा धो के फ्रेश और मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। अब मम्मा और नानी वहाँ खड़े हैं, साग चुग रहे थे, चुग भी लिया था, पन्नी भी भर ली मम्मा ने, दिखाती हूँ मैं। ये देखो कितना साग ले गया गुड़िया, लेते हैं गुड़िया। ब्रांडी आनी है वाह। मैं और मम्मा चलते हैं पोल्ट्री फार्म, उसका भी आपको टूर देते क्योंकि शादी में भी इतने बिजी थे, अभी भी एनिवर्सरी में भी सेलिब्रेशन में बिजी थे, वहाँ जा ही नहीं पाए और मैं आपको दिखा ही नहीं पाई। तो चलो आप चलते हैं और दिखाते हैं। देखो गाइस पोल्ट्री फार्म, आवाज आ रही होगी आपको अंदर, चू 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 चू, अब तो बड़े बड़े हो गए हैं वैसे। ये देखो गाइस इसमें इनको खाना मिलता रहता है। ये मेरे मामू जी का पोल्ट्री फार्म है, ऐसे फ्लोरे के ऊपर भी है। ये देखो गाइस ऊपर का फ्लोर, ऊपर अभी पीछे हैं थोड़े, वो थोड़े छोटे होंगे, जैसे बड़े बड़े होते लगते ना, तो फिर ये इनको आगे आ जाते, फैलाते हैं मतलब पूरी जगह पे। और ये पूरा सिस्टम कैसे पानी कैसे फीड वगैरह मिलती है इनको, बहुत ही बढ़िया। ये देखो चलो बाय गाइस, सब सुन लो ध्यान से, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जम्मू इन ब्लॉग्स, ठीक है, बाय बाय। मम्मा भी आ गई ऊपर, और नहीं करो ना अगर एक एक ना फिर देख लेना, और तुम सब कर दोगे ना 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। कुलदेवी गाइस मत्था टेक दे तुझे, हम वैष्णो देवी गए तब भी नहीं टेक पाए, आए हैं तो भी नहीं टाइम मिला, घर जाते वक्त तो टेकेंगे। जय माता दी। हमारी गौशाला लगी है पराली खाने में, खाओ खाओ नहीं डिस्टर्ब कर रही मैं। चलो जी अब खाते हैं गाइस गुलाब जामुन गरम करके विद आइसक्रीम, फाइनली आइसक्रीम भी मिल गई अब। चलो गुलाब जामुन गरम खाओ, आइसक्रीम गुलाब जामुन खाओ खाओ मित्रों।
इसमें पूरा अपना बैग सामान सेट सूट करके आ गई। अब जा रही दीदी घर। दीदी का प्रसाद भी मेरे बैग में रह गया था, वैष्णो देवी का ना, और मिलके भी आते हैं। चलो गाइस, मैं दीदी से मिलके, दीदी की हालत एकदम बुरी है, मेरे से भी चला जा रहा है, पैर यहाँ रख रही हूँ, कहीं और ही जा रहे। बस अब चलते हैं घर, और 1:50 1:15 तो हो ही गया है। अब लंच करेंगे और फिर निकलेंगे हम भी, 3:30-4 बजे तक निकल जाएंगे, क्योंकि 5:15 पे बस आती है दिल्ली वाली जो है, यहीं फिंतर से लेनी पास से ही। चलो गाइस, अब करने लगे हम लंच। टाइम हो चुका है गाइस, जाने का टाइम हो चुका है। अब चलो गाइस, मैं भी होगी रेडी, और 3:30 हो चुके हैं पूरे, लेट्स गो। मंदिर में टेक लिया मथा हम लोगों ने, अब चलते हैं सीधा। चलो जी लेट्स गो, जय माता दी। गाइस खड़े हो गए हम अपने बस स्टैंड में, बस का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। पूजा और मामी आए हमें छोड़ने। चलो जी गाइस, बस पकड़ते हैं और निकलते हैं अपने घर की ओर। चलो जी, आ गए हम लोग फिंतर, जहाँ पे आती है हमारी बस। और ये अंकल मैंने आपको पहले भी दिखाया, बहुत फेमस आलू टिक्की बनी है, तो यहाँ पे हमने एक प्लेट लिया खाने के लिए। गाइस बैठ चुके हम लोग स्लीपर में, और लिटरली न्यू वाली बस जा रही है। हम लोग सोचे थे नहीं जाएंगे हम इसमें, बट ये एकदम न्यू है, मतलब ट्रैवल पॉइंट वालों ने न्यू बस निकाली है, तो हमें तो एकदम नीट एंड क्लीन मिल चुकी है। अब बस 5:30 बजे चलेगी और सुबह पहुंच जाएंगे हम। चलो गाइस, अब मिलेंगे आप सीधा दिल्ली पहुंच के। सो गाइस, फाइनली पहुंच गए थे हम लोग कल सुबह 8 बजे। उसके बाद होश नहीं रही। एक तो वैष्णो देवी गई थी ना मैं, तो पैरों में इतना पेन है लिटरली, बस जो भी था गाइस, जो जो सोचा था वो हो गया, और बहुत ही अच्छा रहा हमारा ये ट्रिप भी। सो गाइस, आई होप आप लोगों को मेरे सारे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, और गाइस लिटरली आप लोग बहुत प्यार दिखा रहे हो व्लॉग्स में, सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और आई होप आप लोगों को व्लॉग्स पसंद भी आते हैं, पसंद आते हैं तो कमेंट भी सुंदर सुंदर कर दिया करो, ठीक है। सो गाइस, बस थोड़ी सी अब रेस्ट की नीड है, एक्चुअली ना ट्रैवलिंग ज़्यादा हो गई, एक महीने के अंदर 3 बार हम जम्मू हुए हैं, और पता भी नहीं होता था, रैंडम प्लान्स बने हैं बीच में, वृंदावन कुछ, लिटरली अगर पता होता तो मैं हिंट नहीं देती आपको मैं, बल्कि दिवाली वाले दिन आपको ये बोल रही हूँ कि गाइज हम कल भी दिवाली बनाएंगे, पता ही नहीं कुछ कि हम अगले दिन बरसाना पहुँच जाएंगे। चलो गाइज, जो भी है सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। सो आई होप आप लोग मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं, तो वीडियोज़ को लाइक करो, जितना हो सके शेयर करो, ताकि हमारा कल्चर जितने अच्छे लेवल पर प्रमोट हो सके होए, ठीक है। सो मिलते हैं गाइज आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हरे कृष्णा।